भाइयों और बहनों, आपका ये चौकीदार पूरी ईमानदारी से आपके जीवन को आसान बनाने में जुटा है। सिकल सेल एनीमिया, कुपोषण, इन सब से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति के साथ हम काम कर रहे हैं। इसी तरह बच्चों और प्रसूता माताओं के टीकाकरण का काम भी तेज गति से किया गया है। इतना ही नहीं, बीमारी की स्थिति में मेरे गरीब आदिवासी भाई बहनों को खर्च की चिंता ना करनी पड़े, इसलिए हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी आपके इस चौकीदार ने की है। भाइयों और बहनों, हम एक तरफ कुपोषण को मिटाने के लिए जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस क्या करती है उसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। यहां से मध्य प्रदेश तो पास में ही है, वहां 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी और अभी कुछ महीने पहले बनी है, 6 महीने भी नहीं हुए, लेकिन इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो पैसे ये आप सुनकर के चौंक जाएंगे, ये कैसे लोग हैं, इनको पहचानो। और मैं सबूत के साथ बताता हूं, अब वो मेरा सबूत मांगना भूल गए हैं, आपको मैं सबूत के साथ बताता हूं। जो पैसा इस देश के गरीब आदिवासी बच्चों के खाने के लिए, गरीब आदिवासी माताओं, प्रसूता माताओं को लिए ये चौकीदार ने भेजा था, जो गरीब बच्चों के पेट के लिए था, जो प्रसूता माताओं के लिए था, ये कांग्रेस की सरकार ने, इनके नेताओं ने, चेले चपाटों ने उन पैसों से वैसे भी चोरी कर ली, उसको भी लूट लिया। और आपने देखा होगा, अभी 15 दिन पहले इनके घरों में से बोरे भर भर करके नोटें निकली, बोरे भर भर के। कांग्रेस ने आदिवासी गरीब बच्चों और बहनों के भोजन का पैसा नामदारों के चुनाव प्रचार में लगा दिया। साथियों, अब क्योंकि चौकीदार ने इनका ये घोटाला पकड़ लिया है, इसलिए ये लगातार मुझे गाली देने में जुटे हैं।